अगर आपको मौका मिलता है तो आपने क्या सोचा है जनता के लिए? मुझे जनता मौका देती है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ, और मुझे जनता चाहेगी और मुझे वहाँ तक पहुँचाती है तो मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा। और मेरी जो प्लानिंग है कि जो गंदगी है, कचरा है, स्वच्छ स्वास्थ्य बिजली पे मैं काम ज़्यादा करूँगा, और यहाँ की नाला निकासी जो पानी का निकास है राजनगर का वो नहीं है। अभी तक जो भी चेयरमैन रहे हैं केवल नाला बनाते रहे हैं, कभी वाटर लेवल नहीं नापा राट का, बगैर वाटर लेवल के केवल नाले बनाते रहे हैं और पैसा खर्च करते रहे हैं। और मेरी सोच है कि जो कूड़ा घर से निकलता है तो वो बाहर रख दिया जाता है, बाहर से उठा के कूड़े खाने पहुंचा दिया जाता है, और कूड़े खाने से ट्रैक्टर से उठा के बाहर बस्ती में फेंक दिया जाता है, लेकिन कूड़ा नष्ट नहीं किया जाता है। मेरी प्राथमिकता स्वच्छ के लाने ये होगी कि कूड़ा जो उठाया जाएगा कूड़े खाने से उसे नष्ट किया जाएगा, उसके लिए मैं प्लांट लगाऊंगा, और प्लांट से ही कई चीजें और उत्पन्न होंगी और कई लोगों को नगर पालिका की तरफ से नौकरी भी मिलेगी। जब प्लांट लगेगा तो कुछ गरीबों को, सर समाज के लोगों को उसमें काम करने का एक मौका मिलेगा, संबंधक पे ही लगाने का मौका मिल सकता है, लेकिन कई परिवारों को उससे मौका मिलेगा। तो पहली प्राथमिकता मेरी स्वच्छ नगर को बनाना है, सुंदर नगर को बनाना है। दूसरी प्राथमिकता मेरी पानी पे है, जो मेन है। राजनगर में पानी की किल्लत समझ ज्यादा है, 10 साल बाद पानी की बूंद बूंद के लिए राट तरसेगा, इसलिए मैं रानू ठेकेदार में ठेकेदारी करता रहा हूँ और ट्यूबवेल वाले पानी वाले विभाग में भी मैंने काम किया है। तो मेरे बड़े बड़े इंजीनियर आए यहाँ रिसर्च किए, तो यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, और ट्यूबवेल यहाँ के लाइट नहीं तो ट्यूबवेल नहीं चलते हैं, तो पानी की किल्लत नगर में बहुत ज़्यादा त्राही त्राही मच जाती है। तो मेरी प्राथमिकता ये 500 मीटर की दूरी पर नगर में हर जगह समरसेबल लगवाना, उस समरसेबल का जो सरकारी पाइपलाइन डली है उससे कनेक्ट करना। जब पानी की किल्लत आएगी तो वो समरसेबल चलेंगे, अब चलेंगे कैसे, उसकी बिजली की व्यवस्था करना पड़ेगी, इसलिए बिजली से ही यहाँ पानी है, पानी हमें समरसेबल लगाने की जरूरत इसमें नहीं कौन है। सी टेक्नोलॉजी अपनाओगे? इसमें टेक्नोलॉजी अपनाएंगे कि 2 किलोमीटर या 2 मोहल्लों के अंदर हम एक जनरेटर की व्यवस्था करेंगे नगर पालिका की ओर से। जनरेटर जब चलेंगे कि जब वो लाइट सरकारी खराब हो जाएगी, पानी की किल्लत होगी, तो पूरे नगर में हम 500 मीटर की दूरी में 25-50 समरसेबल लगवाएंगे हर मोहल्ले में। और जनरेटर राम ठेकेदार जी, अभी तक जितने चेयरमैन आए हैं राड चेयरमैनी में, जनता इनसे किसी से भी खुश नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अब उन लोगों की अपनी कार्यशैली थी काम करने की, केवल उनको कमीशन से मतलब था, सड़कें बनाओ नाली बनाओ ये मतलब नहीं था कि सड़कें कैसी बन रही, ठेकेदार कैसा काम कर रहे हैं, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। मेरी प्राथमिकता नगर पालिका में आज ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है आपकी नगर पालिका। बिल्कुल, पूरी 20 साल से यहाँ नगर पालिका भ्रष्टाचार पर चढ़ी हुई है। मैं उस पर कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, अपना जितना हो सकेगा ईमानदारी से काम हो, अच्छे लोग काम करें और विकास हो, सुंदर बने नगर। और आपका आखिरी जो जनता के लिए मैसेज, कुछ समाज के लिए कोई मैसेज? समाज के लिए मैसेज ये देना चाहता हूँ, पूरी सर्व समाज से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, गोपनीय समर्थन मिल रहा है मुझे, इसलिए कि मैं आज से नहीं 10 साल से यहाँ समाज में काम कर रहा हूँ। मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ, कब्जों से दूर रहता हूँ, मैंने कभी किसी का कोई कब्जा नहीं किया, कोई गुंडाई नहीं की, और मेरी एक सोच रहती है कि सब समाज से मिलके चले और किसी की लड़ाई झगड़ा हो तो उन्हें समझौता कराएं, ये नहीं कि हम ही ने लड़ाया और हम ही ने पैसे ले लिए, और गुंडे, ये हमारे ऊपर आज तक कोई एक इल्ज़ाम नहीं है, ना मेरी प्राथमिकता कोई FIR, आज तक किसी सब समाज से प्यार मोहब्बत से मिलकर चलता हूँ, इसका मुझे ज़रूर भरपूर सहयोग मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है।